नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रमेश में। आज है 2 अगस्त। आज हम जानेंगे 2 अगस्त रिलेटेड करंट अफेयर। क्वेश्चन बहुत सारे तैयार हैं। सबसे पहले जानना जो जरूरी है पीवी सिंधु के बारे में, जो पीवी सिंधु ने कल भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाई है। इसको लेकर टोटल भारत ने 3 मेडल जीत चुकी है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। सबसे चर्चा वाली बात यह है कि पीवी सिंधु पहली ऐसी महिला बनी है जो लगातार 2 मेडल जीती है। सुशील कुमार के बाद ये दूसरे खिलाड़ी हैं जो लगातार 2 मेडल जीती है और महिला में ये प्रथम है। इसकी बात करें तो ये इसका पूरा नाम पुष्पलाला वेंकट सिंधु है। जन्म 5 जुलाई 1995 को हुआ था और जन्म की बात करें तो हैदराबाद तेलंगाना भारत में इसका जन्म हुआ था। और इसकी बात करें कुछ पुरस्कार की बात करें, कौन कौन से पुरस्कार ये मिल चुके हैं इसको। 2013 में मिला था अर्जुन पुरस्कार, 15 में मिला था पद्मश्री और 2016 में इसको राजीव गांधी खेल पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था जो आपको बता दिए। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जो पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में महिला मुस्लिम अधिकार दिवस कब मनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त को। कब मनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए बी, 1 अगस्त को मनाया गया। 12 जनवरी दिया हुआ है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस किसके उपलक्ष्य याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। एक और है 25 जनवरी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए इतना था आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। हाल ही में कहाँ डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया है? हाल ही में कहाँ डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। गुजरात की राजधानी की बात करें, कैपिटल की बात करें तो इसका गांधीनगर हो जाएगा। गांधीनगर इसकी कैपिटल हो जाएगा। और गवर्नर की बात करें, इसका गवर्नर हो जाएगा आचार्य देवव्रत इसका गवर्नर हो जाएगा। और सीएम की बात करें तो विजय रूपानी इसका गुजरात का करंट का सीएम है, विजय रूपानी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में यूएनएससी की अध्यक्षता किसे मिली है? हाल ही में यूएनएससी की अध्यक्षता किसे मिली है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत को मिली है यूएनएससी की अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कौन राज्य सरकार ने गौ रक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा की अगर बात कर लेते हैं तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, इसका कैपिटल चंडीगढ़ हो जाएगा। चंडीगढ़ इसका कैपिटल है। और इसका राज्यपाल की बात करें तो गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय इसका गवर्नर हो जाएगा। और मुख्यमंत्री यहाँ का सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर है, सीएम मनोहर लाल खट्टर है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं अक्सर इसको रिविजन कराता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मनकौर का निधन हुआ है, यह कौन थी? मनकौर कौन थी? ये एक धाविका थी। कौन थी? ये एक धाविका थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कहाँ आर्किड संरक्षण केंद्र खोला गया है? हाल ही में कहाँ आर्किड संरक्षण खोला गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें, इसकी राजधानी कैपिटल देहरादून हो जाएगा। देहरादून इसकी कैपिटल हो जाएगा। और इसका मुख्यमंत्री की बात करें, सीएम की, तो तीरथ सिंह रावत इसका मुख्यमंत्री हो जाएगा करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अमेरिका किसे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर के रूप में 8 लॉर्ज को नामित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राशद हुसैन। ऑप्शन नंबर बी, राशद हुसैन।
क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश को भारत का 15 कलाकृतियों को वापस करने का निर्णय लिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने कोविड-19 में मरने वाले पत्रकार के परिवार को 10 लाख रुपये मदद करने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल यहाँ का इसका लखनऊ है, कैपिटल लखनऊ है। और सीएम की बात करें तो सीएम यहाँ का योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने दृष्टि बाधित लोगों के लिए एक रीडिंग मशीन विकसित की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सी एस आई आर। इसका फुल फॉर्म हो जाता है CSIR का काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च हो जाता है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड टीकाकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात के बारे में पीछे हम चर्चा कर चुके हैं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, राज्यपाल देचार्य देवा दत्तारा है और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड किसे मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुरा टाइगर रिजर्व को। किसको मिला? सतपुरा टाइगर रिजर्व को मिला है। सतपुरा टाइगर रिजर्व की बात करें ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश में तेज गेंदबाज यूसुरू उराना ने संन्यास की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 15 और आखिरी क्वेश्चन आज का है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान के मंत्रालय के सचिव पद का अतिरिक्त भार किसे सौंपा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आशुतोष शर्मा को, इसका अतिरिक्त भार सौंपा गया है। कल का सवाल देख लेते हैं, कल जो आप लोगों के सवाल दिए थे, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने पुलिस आयोग की गठन की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम हो जाएगा। आज का सवाल देख लेते हैं, आज का सवाल आप लोग के लिए है, हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। ये पीछे वाले वीडियो से क्वेश्चन है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।